press the bell icon on the YouTube app and never. अभी मैं थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच ही सुन रही थी जो आज उन्होंने यूएन में दिया है, और उन्होंने जिस हिसाब से आतंकवाद के खिलाफ ऊंची आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करके इस पूरी दुनिया को समझाया है कि आतंकवाद को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, आतंकवाद इस दुनिया के लिए खतरा है, और खतरा ऐसा है जो इस दुनिया के इकोनॉमिक को, इस दुनिया के पीस। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाइक खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत पे बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अमेरिका दौरा रहा उस पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऊंची आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करके इस पूरी दुनिया को समझाया है कि आतंकवाद को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए, इज्जत उनके उनको दी जाती है जिसकी कोई औकात होती है, और बराबरी से बरादरी होती है। बम गोली बारूद करने वाला, जैश मोहम्मद पालने वाला, आतंकवादियों को पालने वाला, मर्डरर को पालने वाला, रेपिस्ट को पालने वाला, गला रेतने को पालने वाला, उसकी इज्जत नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, एडवोकेट साहिबा, थैंक यू सो मच। और हमेशा आपके साथ बात करते वक्त मेरे अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ही दबंग किस्म की होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, और इट्स माय प्लेजर। आप दबंग वबंग जो हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, सही है? हां, मैं पता चलता हूं फतवा लग गया। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदी शब्द बोलने से फतवा लग गया। सही बात है। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है पीएम मोदी और दूसरी तरफ है पीएम हमारे, और जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में अब जो प्रोटोकॉल, जो रिस्पेक्ट पीएम मोदी को मिली है, भाई देखने वाली है। कैसे लोग सेल्फीज ले रहे हैं, कैसे उनका प्रोटोकॉल में इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको डिनर तक करवाया जा रहा है अपने घर में, और हमारे पीएम को एक कमरा दिखा दिया कि आप इधर रहें और आपको अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, अच्छे से घूम फिर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया को, सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैम, क्या समझती हैं कि अमेरिका के इस एक स्टेप ने कितना बड़ा दुनिया के लिए एक मैसेज, और पाकिस्तान के लिए क्या एक इमेज और मैसेज क्रिएट कर दिया है कि दोनों पीएम एक साथ, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया को? जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मैं थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच ही सुन रही थी जो आज उन्होंने यूएन में दिया है, और उन्होंने जिस हिसाब से आतंकवाद के खिलाफ ऊंची आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करके इस पूरी दुनिया को समझाया है कि आतंकवाद को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, आतंकवाद इस दुनिया के लिए खतरा है, और खतरा ऐसा है जो इस दुनिया के इकोनॉमिक को, इस दुनिया के पीस को खत्म कर सकता है। आतंकवाद एक ऐसा कैंसर है जो इस दुनिया में जो इतना खूबसूरत माहौल बन रहा है, जो इतना रिफॉर्म हो रहा है, ये टेररिस्ट और ये जिहादी माइंड इसको खत्म कर देंगे। आज मोदी जी की यूएन की स्पीच सिर्फ भारत देश के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी हर समिट में, अपने हर दौरे में, अपने हर यात्रा में, जहां जहां भी वो देश के जिस कोने में भी जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम ही मुल्क क्यों ना हो, वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ अपने अपने पैगाम को पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं हर एक 57 मुस्लिम मुल्कों में से
50 मुस्लिम मुल्क इस बात को मानने को तैयार हो चुका है कि मोदी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं और मोदी जी की बात में बहुत दम है। कौन ऐसा प्रधानमंत्री होता है अनम जो कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन दोनों के प्रेसिडेंट से मिलता है और दोनों को सुलह करने की बात कहता है और इटली की जो हमारी मिलोनी साहिबा है वो साफ कहती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खत्म कर सकते हैं। आज यूएन की सभा उनकी आज यूएन की मीटिंग बहुत खूबसूरत रही है, मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए रही है, इस पूरी दुनिया को आतंक से मुक्त कराने के लिए रही है। और आपने कहा कि अमेरिका के समिट में पाकिस्तान के वजीर आजम गए थे, हमने किसी न्यूज में देखा नहीं, हमने उनके मूवमेंट को, उनकी एक्टिविटीज को, उनके स्पीचेस को हमने कहीं भी नहीं देखा। शायद इस दुनिया का कोई भी मीडिया और उस मीडिया का कैमरा शहबाज शरीफ को दिखाना ही नहीं चाहता है, शायद ये पूरी दुनिया, क्योंकि इतना बड़ा समारोह अमेरिका में हो रहा, इतना बड़ा समारोह जिसमें दूर दूर से लोग गए हैं और दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स उस मौके पर मौजूद थे और उन पावरफुल लीडर्स को उनकी उनके स्टेटमेंट, उनकी उनकी आइडियोलॉजी, उनका देश अपने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने का तरीका सब डिस्कशन हुआ है। लेकिन क्योंकि अब दुनिया को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम पुरुष आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं जब देखती हूँ, जब मेरे पॉपअप में कोई क्लिपिंग आ जाती है पाकिस्तान की, वो कहते हैं मेरे पास जज्बा है, तो फिर जब जज्बा है तो फिर क्यों रोते हो कि उन खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। देखिए, इज्जत उनके उनको दी जाती है जिसकी कोई औकात होती है और बराबरी से बिरादरी होती है। बम गोली बारूद करने वाला, जैश मोहम्मद पालने वाला, आतंकवादियों को पालने वाला, मर्डरर को पालने वाला, रेपिस्ट को पालने वाला, गला रेतने को पालने वाला, उसकी इज्जत नहीं होती है। जो बाइडेन के जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने एक कमरा दिखा दिया कि भैया तुम यहाँ रहो, उछलो कूदो और सपना देखो बम गोली बारूद का, गला रेतने का, रेप करने का, तुम जिस औकात के हो तुम वो इस कमरे में रह करके कर। मुझे बहुत अच्छा लगा जब जी मैंने कहा ये लाइन नहीं बोली थी मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुंदर पिचाई ने जो गूगल के सीईओ हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो भारत के नागरिक हैं और उन्होंने आज जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का की तारीफ की और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस हिसाब से भारत को आगे ले जाने के लिए फोकस कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे डिजिटल अगर कोई देश होगा तो वो होगा भारत। जिस हिसाब से सुंदर पिचाई जी ने AI को लेकर के कहा है कि जिस युवाओं के पक्ष में मोदी जी इसको और भी इनहेंस करना चाहते हैं, वो जो पूरा उन्होंने डिटेल बताया है वो बहुत अच्छा था। केविन पेटरसन से मोदी जी मिले हैं और हमेशा क्योंकि वाइल्ड लाइफ मोदी जी पसंद करते हैं, कभी स्कूबा और कभी जंगल में जाना, तो केविन पेटरसन से भी मिल करके उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वाइल्ड लाइफ को और भी पास से समझा, क्योंकि केविन पेटरसन इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद फिर क्वाड के समिट में डेलावेर में जिस हिसाब से उनकी मीटिंग हुई और जिस हिसाब से उन्होंने बाद में लोगों से अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, जो उनसे जो इंडियन सिटीजन जो हैं उनसे जब मुलाकात की और जो मोदी 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 के जो नारे लगे हैं, I'm sure कि आधा घंटा सिर्फ वो नारा लग रहा था, हाफ एन आवर, और मोदी जी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। एंड आफ्टर दैट जिस हिसाब से उन्होंने भारत की उन्नतियों को गिनाया,
कि हर रोज वहाँ भारत में हमारे देश में कॉलेजेस खुलते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स खुलते हैं, एम्स खुलते हैं, हमारे हर हर हफ्ते हमारे देश में टेक्निकल टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खुलते हैं, हॉस्पिटल्स का इनॉग्रेशन होता है, फ्लाईओवर्स का होता है, ब्रिजेस का होता है, और एडुकेशन से लेकर के हमारा देश इतना फोकस कर रहा है, उसकी पूरा उसका पूरा उन्होंने डिटेल दिया। वो सुन करके अमेरिका के लोगों ने इतनी तालियां बजाई हैं, इतनी तालियां बजाई बिकॉज दे नो अबाउट दैट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िला खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ हमारे प्यारे देश की तारीफ की बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी उनकी तारीफ में फूलों के पुल बांधे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।